नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती की रिगार्डिंग एक अपडेट है जो CCA इन रेलवे कैंडिडेट के लिए है। CCA के लिए न्यू इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं रेलवे से, उनके रिगार्डिंग एक अपडेट आई हुई है। जो बहुत सारा क्वारी CCA के द्वारा पूछा जा रहा था, सर क्या 20% कोटा जो RRC लेवल 1 में होता है वो खत्म हो गया है क्या, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और CCA GM पावर से भर्ती जो JCM मीटिंग में बात उठी है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट इस बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, मेरिट कैसे पहले बनता था। जो NCVT का 1/3 और CVT का 2/3 जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाती थी, क्या वो इस बार नहीं लागू होगा क्या, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और CCA 20% कोटा और PET में जो छूट का फायदा मिलता था वो अब नहीं मिलेगा क्या। जो नई भर्ती आने वाली है 2024 में ग्रुप डी की, उसमें लेवल 1 के पोस्ट पर जो रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा क्या। जब CCA GM पावर से भर्ती होगी तब ये सब बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती होती है यानी लेवल 1 की पोस्ट जो RRC के द्वारा होता है, तो उसमें CCA रेलवे कैंडिडेट के लिए 20% का रिजर्वेशन किया गया था। ये पहले से ही लागू था, जो 2018 में भी लागू ये नियम था, उसके बाद 2019 में भी लागू था ये नियम, उसके बाद 2019 में एक और नियम इनके लिए लागू हो गया था, जो उनका NCVT का जो 1/3 वेजिटेज प्लस CVT का 2/3 जोड़ कर फाइनल मेरिट तैयार किया जाता था, ये 2019 की भर्ती में इनको मिला था। उसके बाद एक और चीज़ मिला था, जो CCA कैंडिडेट है उनको PET में छूट भी मिलना शुरू हो गया था 2019 की भर्ती से। क्योंकि आप लोग जानते होंगे रेलवे में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जब बिहार में हुआ था, जो बिहार में ट्रेन को भी फूंक दिया गया था। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने हाई पावर कमेटी की गठन की थी जिसमें उनसे ग्रीवांस लिया गया था। उसमें CCA के कैंडिडेट ने भी बहुत सारा अपना क्वायरी ग्रीवांस में मेल किए थे, जिसके बाद फाइनली रेलवे बोर्ड की जो हाई पावर कमेटी थी उनके द्वारा डिसीजन लिया गया था। CCA एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं जिनको बेनिफिट देना चाहिए, तो उनको NCVT का 1/3 और CVT का 2/3 करके वेटेज दिया गया था, जो फाइनल मेरिट में उनको इंक्लूड किया जाता था। और उसके बाद PET उनका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता उसमें छूट दिया गया था। तो इसी को लेकर अब CCA GM पावर से भर्ती के लेके एक JCM मीटिंग हुई थी रेलवे बोर्ड में और बहुत सारे स्टाफ से हुई थी। तो उसी के बारे में क्या, अगर जब JCM से जो JCM मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ है और GM पावर कब से शुरू होगी, इसके बारे में आपको डिटेल वाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। ये आप लोग जानते होंगे कि जब JCM की मीटिंग होती है तो उसमें बहुत सारे स्टाफ के लोग रेलवे से भी आते हैं, जो यहाँ पर और जो रेलवे के फेडरेशन है वो सभी लोग यहाँ पर भाग देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे की, यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे के इतने RRB जो 21 RRB हैं वो भी जब JCM मीटिंग होती है तो 21 RRB के सभी लोग यहाँ पर इस मीटिंग में सम्मिलित होते हैं। और ये मीटिंग का जो होता है, वहाँ पर जो मीटिंग होती है, तत्काल कुछ चीज़ों का सोल्यूशन तत्काल कर लिया जाता है, बाकी कुछ चीज़ों का बाद में रेलवे बोर्ड मीटिंग करके उस पर फाइनल डिसीजन लेती है। तो ये जो JCM मीटिंग हुई थी वो आप लोग जानते भी होंगे, ये वाली इसका नोटिफिकेशन आप लोग को भी मिल गया होगा। और इसको ये जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी, मीटिंग ऑफ द डिपार्टमेंटल काउंसिल ऑफ रेलवे JCM मीटिंग, ये 15-16 फरवरी 2024 के डेट में ये यहाँ पर हुई थी। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर JCM मीटिंग में कौन कौन से स्टाफ के लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए थे वो यहाँ पर दिया गया है। रेलवे बोर्ड और एंड स्टाफ के साइड के लोग भी यहाँ पर दिया, यहाँ पर रेलवे बोर्ड के स्टाफ के जो रेलवे बोर्ड के थे वो सबका दिया गया है। यहाँ पर स्टाफ साइड यानी AIRF और NFIR के जो
स्टाफ के लोग थे उनके नाम दिए गए हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो यहाँ पर रेलवे बोर्ड के जो साइड के थे सभी के जो जया वर्मा सिंघा हैं जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं उनके द्वारा वो भी सम्मिलित हैं इस बोर्ड जो जेसीएम की मीटिंग हुई थी उसमें। और यहाँ पर एआईआरएफ के देखेंगे तो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी जो शिवगोपाल मिश्रा जी हैं वहाँ पर वो भी सम्मिलित हुए थे और बहुत सारे लोग भी सम्मिलित हुए थे। और यहाँ पर देखेंगे नीचे तो यहाँ पर एनएफआईआर के जो यम रघवैया जनरल सेक्रेटरी हैं वह भी सम्मिलित हुए थे एनएफआईआर के तरफ से। तो आप लोग ये यहाँ पर पूरे स्टाफ के लोग भी यहाँ पर पूरे देखेंगे तो रेलवे बोर्ड में टोटल 39 लोग भी रेलवे बोर्ड से जो डायरेक्टर होते हैं सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत सारे चीज़ों पे यहाँ पर डिस्कशन किया गया था। इसमें कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए भी डिस्कशन हुआ था वो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको 5 नंबर पेज पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 5 नंबर पेज पर ये 5 नंबर पेज है यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं तो पेज नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उनके लिए भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो मेंशन किया गया है। इस वाले लाइन पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसको मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर देखेंगे इस वाले लाइन पे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है ये चीज़ें शिवगोपाल मिश्रा के द्वारा यानी एआईआरएफ के जो यूनियन है उनके द्वारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखेंगे श्री मिश्रा आल्सो डिमांडेड एब्जॉर्ब ऑफ ऑल कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हु हैव क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड मेडिकल टेस्ट अग्नेस सीएन नंबर 01/2024 यहाँ पर है। आल्सो विल बी द पास्ट B1 या C1 मेडिकल स्टैंडर्ड बी आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द इमीडिएटली रिक्रूटमेंट ऑफ द CCA अवेलेबल ऑन द रेलवे आल्सो विल बी द शुड बी द गिवन एज रिलैक्सेशन। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो जो रेलवे से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उन शिवगोपाल मिश्रा के द्वारा ये डिमांड किए गए हैं कि उनको जल्द से जल्द जो एग्जाम क्वालिफाई हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था मेडिकल एग्जाम हुआ था 2019 की भर्ती में जिसका सीएन नंबर यहां पर दिया गया नोटिफिकेशन नंबर उन जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 या C1 है उनको इमिडिएटली जल्द से जल्द उनको उनको जो वैकेंसी खाली हो उसमें हो उनको रखा जाए और CCA कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए जिनका एज और हो चुका है वो चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन किया गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो NFIR के द्वारा भी पेज नंबर 14 पर इस बार GM पावर के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ये 13 नंबर पेज है यहाँ पर देख सकते हैं ये पेज नंबर 14 है यहाँ पर ये चीजें डिस्कस की गई हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये चीजें यहाँ पर मेंशन किया गया है ये NFIR के द्वारा यहाँ पर डिस्कस किया गया ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया डिक्लेरेशन ऑफ द पावर GM ऑब्जर्वेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट 20% कोटा Level 1 के पोस्ट। यानी जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं उनको GM पावर के थ्रू एब्जॉर्ब करने के लिए NFIR के द्वारा बोला गया। NFIR जनरल सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड दैट द जनरल मैनेजर ऑफ द जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट डिक्लेरेटेड पावर टू द एब्जॉर्ब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस 20% कोटा वैकेंसी इन लेवल मेनली से इन द सेफ्टी कैटेगरी विदाउट लिंकिंग टू द RRC रिक्रूटमेंट द मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द मैन पावर शॉर्टेज। यानी इनके तरफ से ये बताया गया है कि रेलवे में मैन पावर की बहुत सारा शॉर्टेज चल रही है जिसकी वजह से तत्काल जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं उनको आप जो RRC में
20% का कोटा देते हो उतने ही वैकेंसी आप जीएम पावर को दे दीजिए। जीएम जो जोनल के जीएम होते हैं या प्रोडक्शन यूनिट के होते हैं जीएम, उनको पावर दे दीजिए कि जब भी उनको लगे कि मैन पावर का शॉर्टेज चल रही है तो वो तत्काल रिक्वायरमेंट इनके द्वारा भर लिया जाए, जो रेलवे से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है। यानी अभी रेलवे की तरफ से इस पर क्या रिप्लाई आया है वो चीजें आप यहाँ पर देखोगे, तो जो सभी क्वेश्चन किए गए थे वो रेलवे की तरफ से तत्काल रिप्लाई भी दे दिए गए थे। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रिप्लाई भी आ गया, डिस्कशन जैसे ये सब वहाँ पर पूछे गए जो क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन ये फिनिश कर दिया गया है, यहाँ पर उनका आंसर भी दे दिया गया। इस तरीके से आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस का भी यहाँ पर बताया गया है, उसके लिए भी अभी यहाँ पर देखोगे ये बोला गया है जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उनके बारे में भी आप लोग देखेंगे तो एक तो 24 नंबर पेज पर यहाँ पर भी मेंशन किया गया है जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उनको रिप्लाई में दिया गया है कि उनको कवर किया जाए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को ओपीएस के अंडर, यानी उनको यहाँ पर आगे दिया गया है ए सेपरेट मीटिंग विल बी कंडक्ट की जाएगी, उसके बाद इनको ओपीएस में भी कन्वर्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रोल करके और आएंगे तो आपको यहाँ पर 34 नंबर पेज पर भी मेंशन किया गया है, ये 34 नंबर पेज है यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर भी मेंशन किया गया 34 नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के बारे में डिस्कस किया गया है कि उनको जीएम पावर ये कैसे किस आधार पर उनको जीएम पावर दिया जाना चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। 01/2019 का जो क्वेश्चन किया गया है शिवगोपाल मिश्रा द्वारा उनके क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर दिया गया है। पॉलिसी इन्फॉर्मेशन ऑफ द डायरेक्टरी अपॉइंटमेंट ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट लिंक लाइक रेलवेज डिफेंस इत्यादि एज पर अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961। यहाँ पर उनको रिप्लाई दिया गया है ए सेपरेट मीटिंग ऑन द इशू विल बी द हेल्ड एम एचआर के द्वारा एक सेपरेट मीटिंग होगी, उसके बाद फाइनली डिस्कशन लिया जाएगा इनको जीएम पावर के जरिए इनको अलग से भर्ती होना चाहिए। जैसे आप लोगों का इस स्पोर्ट कोटा की भर्ती आती है रेलवे में अलग से, इसी तरीके से इनका भी अलग से बिना आरआरसी या के रिक्रूटमेंट होना चाहिए, टोटली जीएम पावर पर होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ इसी जो पॉलिसी के रिकॉर्डिंग हो सकता है, क्योंकि जो सेक्शन 22 है अप्रेंटिस एक्ट का सेक्शन 22 है उसमें प्रोविजनल है कि उनको ये जो एम्प्लॉय है वो कानून बना सकता है, जो एम्प्लॉयर हैं उन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के बाद ये कानून बना सकता है कि उनको किस तरीके से उनको हायर करनी है परमानेंट नौकरी में, वो चीज़ें यहाँ पर इनको इस चीज़ें इसी में अप्रेंटिस एक्ट सेक्शन 22 में ही उनको इस बात की प्रोविजनल दिया गया है, प्रोविजन है और इस आधार पर ये लोग कर सकते हैं, इससे आप लोग को यहाँ पर मिल सकता है। और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि सर आप अगर जो आप लोग का 20% कोटा है वो खत्म हो चुका है, तो आप लोग पहले से जान लो कि 20% कोटा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इस पर जैसे डिस्कशन होगा तो आप लोग की 20% ही भर्ती को ही जीएम के हाथ में दे दिया है। यानी अगर 1,00,000 भर्ती होगी तो उसका जो 20% होगा 20,000 वो जीएम भर्ती करेंगे हर जोन के और या प्रोडक्शन यूनिट के, और आप लोग का जो एनसीबीटी का वेटेज होता था ये वाला भी अगर वो चाहे तो मेरिट बेस पर कर सकते हैं, वो चाहे तो सीनेटी के आधार पर कर सकते हैं, बैच वाइज कर सकते हैं, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तब ये आप लोग की जो एनसीबीटी का वेटेज दिया जाता है ये हो सकता है कि आप लोग को और ये जो पीटी में छूट है वो चीज़ें लेवल 1 के पोस्ट पर भी खत्म हो सकता है यह खत्म ना हो, यहाँ पर भी चालू रहे, आप इसके जरिए भी जा सकते हो अगर जब तक यहाँ पर भर्ती नहीं आती। ये सभी अभी जब इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा, फिर भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो बेचक कमेंट बॉक्स से मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारी कैंडिडेट हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। और ये जेसीएम की जो मीटिंग का
पीडीएफ है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। धन्यवाद, कीप इन टच।